अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हमारा गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स का 5वां लेक्चर है। इसमें मैंने आपको बताना है कि हमने एडमिन के साथ किस तरह डील करनी है, उनको किस तरह जीमेल करनी है, ठीक है, और जीमेल में जो हमने कंटेंट लिखना है वो क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। वो आपको मैं टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है और एडमिन को वो भेज देना है, सिंपल सी बात है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस 4 लेक्चर में क्या सीखा, ठीक है। हमने जनाबे अला उसमें जी सबसे पहले वेबसाइट्स को किस तरह फाइंड करते हैं ये सीख लिया, ठीक है, और इसके अलावा उसके SEO स्टैट्स को किस तरह चेक करते हैं वो भी सीख लिया, और वेबसाइट्स की लिस्ट किस तरह बनानी है वो भी सीख लिया। अब बारी आ गई है कि जो हमने लिस्ट बनाई है उनके एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, उनके साथ डील किस तरह करनी है, ठीक है। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जा के उनको जो है ना वो आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि उनके साथ किस तरह हमने डील करनी है, उनके साथ किस तरह हमने कॉन्टैक्ट करना है, किस तरह उनको जीमेल करनी है, ठीक है, और जीमेल में लिखना क्या है। मेन चीज़ यही है ना आपके माइंड में कि पता नहीं क्या ऐसा वैसा लिखना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको टेम्पलेट जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो देखने के बाद वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने वही जो है ना सेम चीज़ वो कॉपी करके तो आगे वो है ना एडमिन को भेज देनी है, ठीक है, और वहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा। सेम लकीर के फकीर नहीं बनते, ठीक है, खुद भी कुछ थोड़ा सा कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह लिखना है हमने, ठीक है। आपने भी उससे रिलेटेड, ठीक है, चैट GPT पे जाना, आप सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, चैट GPT पे जाना, वहाँ लिख देना कि हमने मतलब जो भी आपने मुझसे पूछना है वो चैट GPT से पूछ लेना, भले ही आप उर्दू में लिख देना, वो आपको आंसर दे देगा कि किस तरह हमने जी भेजना है, हमें कोई टेम्पलेट प्रोवाइड करें, हमने एडमिन को भेजना है, उसके साथ डील डन करनी है, वो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दे। आप साथ में ये भी लिख देना विद 100 वर्ड्स, ठीक है, आपको 100 वर्ड्स में बहुत ही अच्छा सा टेम्पलेट दे देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट के लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको मेल करना सिखाता हूँ। और हाँ, मुझे देखें, जब मैंने लैपटॉप लिया मुझे मेल करना भी नहीं आती थी, मज़े की बात, आपके लिए ये मोटिवेशन है, ठीक है। तो मैं आपको लैपटॉप पे भी मेल करना सिखाऊंगा, और मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखें, अब आपके माइंड में आ गया हो कि हम मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हैं क्या, अब मोबाइल पर ये काम कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ सारा कुछ, लेकिन जो लिस्ट बनानी है वो लैपटॉप पर ही ईजी रहेगी, बाकी मोबाइल पर भी हो सकता है बट टफ है, ठीक है। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी हाँ, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हमने यहाँ से जी सीखना है जीमेल किस तरह करनी है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आपने आ जाना है पहले, सबसे पहले जो है वो क्रोम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने ये जो आपको कर्सर नजर आ रहा है जीमेल के ऊपर है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जीमेल किस तरह करनी है, अब ये कर्सर पे आप नजर रखें, कर्सर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा है कंपोज, ठीक है, आपने कंपोज के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने कंपोज के बटन पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा, ये जो आ गया डब्बा सा, ठीक है। यहाँ पे ये जो टू लिखा है आपने यहाँ पे जिसको जीमेल करनी है, ठीक है, वो लिखनी है। अब मैं ये सारा कुछ ना ये लिख चुका हूँ ताकि टाइम बचे, वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको उस इंटरफेस पे ले जाता हूँ, आपको यहाँ तक आने की समझ आ चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है, ये आपके सामने है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शीट है, आपके पास इस तरह शीट होगी, मैंने ये वेबसाइट ले ली, ठीक है, ये इसकी जीमेल है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे आके ये टू पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, और आगे सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया है जी ये चीज़, ठीक है, बिजनेस इंक्वायरी एंड पेड गेस्ट पोस्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट में आपने लिख देनी है, और नीचे जो चीज़ लिखनी है वो आपने ये लिख देनी है, ठीक है, टुडे आई विजिट दी वॉल ऑफिस, का मतलब ये है कि आज मैंने आपकी जो है वो वेबसाइट को विजिट किया, आपके ब्लॉग पढ़े, काफ़ी इंजॉय किया, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ एक पार्टनरशिप हो जाए, आपको मैं आर्टिकल्स वगैरह दूँ, तो पेड गेस्ट पोस्ट करना चाह रहा हूँ, उसमें यही लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये पेड गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं, तो डेफिनेटली हमने वो लिख ही लेना है बीच में, ताकि इसे पता हो कि हम फ्री वाले नहीं हैं, हम आपको पे करेंगे, हमने कौन सा खुद से देना है, क्लाइंट से लेना है, इसे दे देना है, प्रॉफिट हमारा, ठीक है। तो आपने जिस साइट के लिए इससे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये मैंने मार्क की, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये मैंने उसकी वेबसाइट लगाई है यहाँ पे, ये देखें यहाँ से वेबसाइट है, ठीक है, इसकी ये वेबसाइट मैंने कॉपी करके यहाँ पे इसलिए लगाई क्योंकि ये एक एडमिन की कई सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, इसलिए हमने साथ उसकी वेबसाइट भी लगा देनी, हम इस वेबसाइट की बात करें, हमें इस पे गेस्ट पोस्ट करवाना है, ठीक है। ये सारा टेम्पलेट आपके सामने है, ठीक है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ईजिली आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, तो इसको यहाँ से कॉपी करके आप भी आगे भेजें, ठीक है। यहाँ पे आप एंड पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, नीचे आप अपना यहाँ पे नेम लिख लें, ठीक है, जिस तरह मैं ये अपना SHAH, ठीक है, ये मैं अपना नेम लिख दिया, ठीक है, उस्मान शाह। तो अब यहाँ से जी ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है, इस तरह सिंपल सी हमारा टास्क है कि हमने इस तरह जो है वो ये करना है जीमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ,
सेंड के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये जो है जीमेल वो सेंड हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये सेंड हुआ कि नहीं, यहाँ पे सेंड के ऊपर आ गए, हमने यहाँ पे चेक कर लेना है। ये देखें, ठीक है, 12:08 पे, ठीक है, अभी जो है ये सेंड हो चुका है। इस तरह सिंपल आपने डेली जो है ना वो कोई 50 एडवांस के साथ डील डन कर लेना। आप इन्हें घबराना नहीं कि पता नहीं इनका रिस्पांस आएगा या नहीं, इन लोगों का काम ही ये है। ठीक है, ये तो हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कब इन्हें जीमेल करें, क्योंकि इनका बिजनेस है, ये इसी तरह ही पैसा कमाते हैं। इन्होंने हमसे डॉलर लेने हैं, ठीक है, पोस्ट करवाने के लिए, तो वो डेफिनेटली इसकी इनकी अर्निंग है। ठीक है, तो ये इसी वेट में होते हैं कि हमसे कोई ना कोई आके टच में रहे, हमसे रब्ता करें, हम अर्निंग करें। तो आपने ये घबराना नहीं, ठीक है, ये आपको विद इन 24 आवर्स जो है ना ये लाजमी रिप्लाई करेंगे। फिर आपने बार्गेनिंग करनी है, इनसे बहस करनी, जिस तरह आप बाजार में जाते हैं कोई ट्रोजर शर्ट वगैरह लेने या पैंट शर्ट वगैरह लेने, कितनी बहस करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो इसी तरह आपने इधर भी बार्गेनिंग करनी है, बहस करनी है। अगर ये कोई $200 मांगे तो आपने इसको $10 पे लेके आना, इस लेवल की बहस करनी है। मैं आपको सारा कुछ जो है ना आस्ता आस्ता सिखा दूंगा। ठीक है, पहले एक दफा कोर्स प्रॉपर हो जाए, फिर आपको बड़ी मजे वाली वीडियो दूंगा, छोटे छोटे क्लिप बना के, किस तरह हमने क्लाइंट को जो एडमिन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ये बात आप माइंड में रख लें। तो इस तरह मेल करनी है। ठीक है, तो मोबाइल पे भी सेम इसी तरह। या मजे की बात यह, जब मैंने लैपटॉप लिया मुझे खुद मेल करना भी नहीं आता था लैपटॉप से। आपके लिए ये मोटिवेशन है। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर मुझे मेल करना भी नहीं आता था तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ कि आप लोगों को आज सिखा रहा हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, आप लोगों को मेल करना आता होगा, नहीं आता तो आपने ये सीख लिया। ठीक है, मोबाइल पे भी सेम इसी तरह, मोबाइल से भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट में जाके पेड गेस्ट पोस्ट, ठीक है, बिजनेस इंक्वायरी, वही टेम्पलेट कॉपी करके पेस्ट कर दें, और जो उसकी वेबसाइट है, ठीक है, वो साथ लगा दें, और जो उसका जीमेल है वो 2 में लिख दें कॉपी करके और सेंड कर दें। मोबाइल पे भी सेम इसी तरह। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में, मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो चीज़ें कवर कर ली हैं वो हमें जी वेबसाइट को फाइंड करना भी आ गया, एसईओ स्टैट्स भी चेक कर लिया, लिस्ट भी बना ली, एडमिन को मेल भी कर दी। आपने सबको करनी है, मैंने आपको कम से कम 200 वेबसाइट्स का टास्क दिया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो वो आपने सबको ये जो मेल कर देनी है, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा टेम्पलेट को। एक ही टेम्पलेट 200 एडमिन्स को नहीं कर देनी, आपने एक टेम्पलेट को मैक्सिमम 10 एडमिन्स को करना है। बाद में इसमें थोड़ी चेंजिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, आपने मतलब जो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह मेल करना है। ठीक है, तो इस तरह जनाबी अला आप मेल करना है। नेक्स्ट लेक्चर में भला हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी देखें मजे की बात, हमारा आधा कोर्स कंप्लीट हो भी चुका है। मेन जो मेजर पार्ट है ना हमारा कोर्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जस्ट ये चीज़ रह गई है, हमने क्लाइंट फाइंड करना है, और क्लाइंट कहाँ से हमने फाइंड करना है और कौन कौन से हमने अभी अकाउंट्स बनाने हैं सारा कुछ। ठीक है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।